आज श्रीलंका के कैंडी मैदान पर क्रिकेट का वो ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला जाएगा जिसका इंतजार पूरी दुनिया गुज़िश्ता कई महीनों से कर रही है। एशिया कप में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच टक्कर होने वाली है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्या होगी प्लेइंग 11 और कैसी दोनों टीमों की तैयारी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। फिर आमने सामने भारत पाकिस्तान। क्रिकेट में जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तो एक्शन ड्रामा सब अपने उरूज पर पहुंच जाता है, और आज वो लम्हा आ गया है जब रोहित के रेंजर्स और बाबर की आर्मी मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मुकाबले में सबकी निगाह हिंदुस्तानी टीम के दो दिग्गजों पर सबसे ज्यादा होंगी, एक तो है विराट कोहली तो दूसरे हैं टीम के कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि दोनों के रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ शानदार है। ऐसे में जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो जी न्यूज ने उनसे आज के मैच को लेकर उनका प्लान पूछा। नहीं देखिए, अभी मैंने जैसे एक्सपीरियंस की बात की कि इतने साल खेला हूँ तो वो एक्सपीरियंस को यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। टीम को क्या ज़रूरत है, मेरे तरफ से मुझे वो करने की ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। पिछले दो सालों में मैंने अलग तरीके का क्रिकेट खेला है, काफ़ी मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके खेला हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे वो बैलेंस लाना है, रिस्क लेना है, कब लेना है, रिस्क नहीं लेना है। इसी मैं समझता हूँ कि एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन मेरा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है टीम के लिए। दुनिया भर के फैंस और क्रिकेट माहिरीन इस मुकाबले को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। किसी की नज़र में हिंदुस्तान फेवरेट है तो कोई पाकिस्तान को मजबूत बता रहा है। अलग अलग फैक्ट्स के जरिए दोनों टीमों का मवाजना किया जा रहा है, लेकिन इस हाई इंटेंसिटी मैच के लिए बाबर पूरी तरह तैयार है। ऐसा प्रेशर नहीं, पास में जो पीछे गुजर गया उस पर हम फोकस नहीं कर रहे, जो आने वाला उस पर फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट है हमारा वो अप्लाई करें, जो मोमेंटम हमारे पास उसको कंटिन्यू करें। और मेरे ख्याल से सारे लड़के काफ़ी एक्साइटेड हैं। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का हमेशा हाई इंटेंसिटी वाला गेम होता है, और जो मेन चीज़ फैंस काफ़ी इस चीज़ को वेट करते हैं, तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं खेलने के लिए और इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। रोहित शर्मा भी बाबर आजम की बात से इत्तेफाक रखते हैं और पाकिस्तान टीम की तारीफ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम ने काफ़ी मेहनत किया है इसके पीछे, और काफ़ी यूनिट जैसी टीम है, अच्छा क्रिकेट खेल रही है, तो हमारे लिए एक अच्छा चैलेंज होगा यू नो ऐसे टीम के सामने खेलना और ऐसे टीम के सामने परफॉर्मेंस करना। प्रिपेयर हमने अच्छा किया है, हमारे पास यहाँ आने से पहले कुछ दिन थे, कुछ टाइम था हमारे पास जिसपे हमने वर्क किया। जिस मैदान पर बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच खेला गया था वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी। पल्ली केले स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, तो बीच के ओवरों में गेंद टर्न भी होती है और स्पिनर्स कहर बरपा सकते हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, तो बहुत मुमकिन है कि कोई नया टेस्ट ना करके टीम मैनेजमेंट उन खिलाड़ियों को तरजीह दे जो वर्ल्ड कप में पहले जीत का टोन सेट कर सके। मेरे ख्याल से जो 11 भारत को खिलानी चाहिए वो होगी, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, विराट कोहली 3 पर आएंगे, श्रेयस अय्यर 4 पर आएंगे, 5 पर ईशान किशन खेलेंगे, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर रविंद्र जडेजा, 8 पर कुलदीप यादव, 9 पर शमी, 10 पर सिराज और 11 पर बुमराह। ये भारत की 11 होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मैच बचे नहीं है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। जब हमको खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच, तो उससे पहले हमारे पास 6 मैच यहाँ पर हैं और 3 मैच जब ऑस्ट्रेलिया आएगी सितंबर में, 9 मैच कुल मिलाकर हमारे पास बचे हैं। तो अब प्रयोग का वक्त बिल्कुल भी बचा नहीं है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के पास। एक वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता था तो कहा जाता था कि मुकाबला हिंदुस्तान की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की गेंदबाजी के बीच होगा, लेकिन अब हालात वैसे नहीं है। अब पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान का भी बॉलिंग अटैक कुछ कम नहीं।
जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज पाक पेस अटैक से कम नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी काफी मजबूत है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और इमाम उल हक शानदार फॉर्म में हैं। साथ ही इफ्तिकार ने भी पिछले मैच में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी जड़कर अपनी लय वनडे फॉर्मेट में भी दिखा दी है। वहीं एशिया कप के आदादोशुमार की बात करें तो 1984 से 2022 तक हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा 7 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान 13 बार आमने सामने हुए हैं, जिनमें 7 बार हिंदुस्तान को जीत मिली है, जबकि 5 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। और आज दोपहर 3 बजे श्रीलंका के कैंडी में दोनों टीमें 14वीं बार एक दूसरे के सामने होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।